अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था, एक अमीश त्रिपाठी की पुस्तक थी महाराजा सुहेल देव पासी का इतिहास, जिसमें बताया गया था। दोस्तों आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को और जो अपनी किताबें ऐतिहासिक किताबें हैं उनको जानने की ज़रूरत है, और जो हमारे इतिहासकार थे जिन्होंने अपने इतिहास को उजागर करने के लिए कई पुस्तकें लिखी, और मेरे ख्याल से कई लोग जानते भी होंगे कि कौन कौन इतिहासकार है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अपने समाज के राजकुमार इतिहासकार के रावत जी और रामदयाल वर्मा जी, ये अपने तीन मुख्यतः इतिहासकार हैं। तो आज मेरे पास एक पुस्तक पड़ी थी राजकुमार इतिहासकार जी की, बिजली पासी की ऐतिहासिकता। दोस्तों ये पुस्तक जब लॉन्च हुई थी तो मैंने सर का इंटरव्यू लिया था, और ये पुस्तक मेरे पास थी और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग पढ़ें। तो अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपने पांच लोगों को जो सबसे अच्छे कमेंट करते हैं, जैसे कि पिछले कमेंट में जो आए हैं, वो जो पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, अरविंद नाम है उनका, और वो अपना एड्रेस कमेंट कर दे या फेसबुक के ज़रिए जो है संपर्क कर ले और पुस्तक उन तक पहुंचा दी जाएगी। उनका कोई भी जवाब अभी तक आया नहीं है, तो जो आने वाले पांच विजेता होंगे ये किताब उन तक पहुंचेगी। ये राजकुमार इतिहास के कर कमलों द्वारा है, पांच किताबें आपको मिलेंगी। ये इसमें महाराजा बिजली पासी और उनके 12 किले पूरी जानकारी दी गई है। ये किताब आप पढ़िए। और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने ऐतिहासिक चीज़ों को दिल में रखने की ज़रूरत है, इनको आज उभारने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समाज में देखता जा रहा हूँ लोग संगठन बना रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को संगठन में जोड़ रहे हैं, ये गलत चीज़ है। संगठन में बच्चों को जोड़ना उनके भविष्य को बर्बाद करना है। मेरे साथ जो मेरे चैनल के जरिए मेरी बात जहाँ तक पहुँचती है, मैं अपने सभी संगठन के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभी संगठन में ना जोड़ें, उनको शिक्षा की ओर मोड़ें, जिसकी ज़रूरत है समाज को। समाज में नेता पहले से बहुत हैं, समाज को आज ज़रूरत है IAS PCS वकील डॉक्टर की, जो हमारे भविष्य को और उज्जवल कर पाए, और हमारी ऐतिहासिकता की लड़ाई जब हमारे वकील और हमारे IAS PCS रखेंगे तो उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। समाज में नेता बहुत हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों को संगठन में मत जोड़ें। मैंने देखा है वो 16 साल के 17 साल के सबको जिला अध्यक्ष जिला मंत्री पता नहीं क्या करना, समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप, ऐसा मत करिए। बच्चों को इतिहास पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन उनको संगठन में नेता बनाना अभी समय नहीं है। कम से कम उनकी उम्र तो देख लिया करिए जनाब, आप समाज को कौन सी दिशा देना चाह रहे हैं, समाज क्या चाहता है, आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आज और समाज चांद तक पहुँच रहा है, और आप संगठन मंत्री और नेता बनाने का। मैंने देखा भाई, अभी मेरे पास फोन आते हैं 16 साल के लड़के, 17 साल के लड़के, वो संगठन से जुड़ना चाहते हैं। भाई संगठन में कुछ नहीं रखा है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, डॉक्टर बनिए, अध्यापक बनिए, नेता बनने में कुछ नहीं रखा है। आज नेता बहुत हैं समाज में, और आप अपनी शिक्षा पर बेस करके उसको आगे बढ़ाइए, और इन सब चीज़ों से दूर रहिए जो आप अभी संगठन में जुड़ रहे हैं। एकता ज़रूरी है, जब समय हो, जब ज़रूरत पड़े तब आप आइए। लेकिन मैंने देखा फेसबुक पे दिन रात 24 घंटा हर समय हर वक्त वहीं पे लगे रहना, ये बिल्कुल गलत है, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। और जो लोग ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अपनी शिक्षा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सामाजिक नेता बनना कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है। समाज का उद्धार आप तब भी कर सकते हो जब एक आप अच्छे IAS PCS डॉक्टर या वकील बन के भी समाज की सेवा कर सकते हो। समाज की सेवा करना
का मतलब ये नहीं कि आप नेता ही बन के समाज की सेवा कर सकते हो। समाज की सेवा हर तरीके से की जा सकती है, लेकिन जिस दिशा में आप लोग समाज को ले जा रहे हैं, समाज के युवाओं को ले जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इन चीज़ों को बढ़ावा मत दें, बिल्कुल बढ़ावा मत दें। अभी जिसके कमेंट मुझको ज़्यादा अच्छे लगेंगे या जो अपने महाराजाओं के प्रति ज़्यादा प्यार दिखाएगा, ये पुस्तक 5 विजेता होंगे और ये पुस्तकें उनको पढ़ने के लिए मिलेगी, और वो अगर चाहें तो वो आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। ये राजकुमार इतिहासकार की पुस्तक है, आप देख लीजिए, इसमें ये अपने राजकुमार इतिहासकार हैं, और राजकुमार इतिहासकार जी को बहुत बहुत अभिनंदन। कई सालों से समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, और आज जितने भी YouTube पे आप सब कुछ देखते हैं, जितना भी सब कुछ देखते हैं, ये सब सारा का सारा रेफरेंस आपको यहीं से पता चलेगा, यहाँ से राजकुमार इतिहासकार की किताबों से। जितना भी सब देखते हैं, जितनी भी जानकारियाँ हैं, सब ये राजकुमार इतिहासकार रामदयाल वर्मा जी और के रावत जी के, ये उनकी सालों की कड़ी मेहनत है जो आपके सामने है। मैं ऐसे लोगों को तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और समाज में ऐसी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते रहिए, समाज का भविष्य उज्जवल करिए। लेकिन अपने जो बच्चे हमारे समाज के युवा हैं, उनको जो है अभी बरगलाने की ज़रूरत नहीं है, उनको जो है नेता नगरी में ना घसीटें, सामाजिक संगठनों में ना घसीटें, मेरी ऐसी उम्मीद है। और अगर आपको इस पर जो मैंने बोला है कि समाज के युवाओं को संगठन में दूर रखा जाए, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, आपकी प्रतिक्रिया इसमें जायज़ है, कृपया कमेंट करके बताएं कि इस जो दिन ब दिन अपने समाज के जो है संगठन बढ़ रहे हैं, और जैसे युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, मैं इसको भ्रमित कहना कहूँगा, क्योंकि संगठन एक हो तो अच्छा लगता है। समाज के लिए जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन मैं देखता हूँ 24 घंटा 12 घंटा फेसबुक पे हर जगह, ये बिल्कुल गलत है। सामाजिक एकता और जागरूकता जरूरी है, लेकिन अपने भविष्य के खिलवाड़ बिल्कुल समाज के लिए बहुत हानिकारक रहेगा ये। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे आशा है कि आप सब लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको जो है शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, और ये किताब आप लोगों तक का जल्दी पहुँचे, मेरी यही उम्मीद है। और चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय पारसी समाज।